कहाँ थे इतने दिनों से यार तुम? कम से कम तुमने मुझे पानी गाड़ी में मिल जाएगा। मुझे भी पिला दो एक बार। मैं साथ खाऊंगे। क्या रहे थे तुम दोस्त? तो अभी थोड़ी देर पहले ही आपको सुखी दिखा रहा है, तो ये भी एक टैलेंट है जो कि हमारे अंदर है और आपने बहुत अच्छा आवाज। और दूसरा कमेंट है, और यो अजीत जी इसको देख के नहीं लगता, कह रहे हैं हमें प्यार सिंह गुजर, प्यार एट द रेट प्यार सिंह कर दूंगी मैं, तो वीडियो ही देखने नहीं ओके इसलिए पहले पूरी हेलो गाइस वेलकम टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत मस्त होंगे, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जिए और जीने दें। तो आज है ट्यूसडे और हम लोग जा रहे हैं मंदिर, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे ब्लॉग में बहुत टाइम, तीन मंगल हमारे मिस हो गए कुछ ना कुछ रीजंस की वजह से। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर और विवान सो के उठे हैं अभी। विवान अब उठ जाओ, हाँ कि देखो चिंकी, मेरी चिंकी उठ जाओ। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए हमारे साथ साथ, आप भी हनुमान जी के दर्शन कर लेना। चलो वीवो तो विवान प्रसाद का आनंद लेते हुए। विवान कैसा लग रहा है प्रसाद? प्रसाद तो अच्छा लगता ही है। क्या कह रहे थे अभी आप? टेस्टी है पानी पानी गाड़ी में मिल जाएगा, चने और मिट्टी। यहाँ पे हर मंगल को हर शनिवार को प्रसाद मिलता है। क्या क्या लाऊं? अभी पापा ला, पानी दे दो एक बार एक बार पानी दे दो डैडी एक बार। बहुत ठंडा है बेटा। तो इतना ठंडा लाए क्यों? नॉर्मल लेके आते। मुझे भी पिला दो एक बार, एक सेकंड के लिए। एक सेकंड के लिए ज्यादा ठंडा है क्या? नहीं सही है। प्रसाद खाएंगे। क्या प्रसाद खाएंगे? प्रसाद हाँ। बाहर टेबल पे रखा है। अच्छा ठीक है, लेने जा रहे हो? ठीक है मुझे फोन ले दो। क्या फिर से दे दो, जैसे मांग रहे थे प्लीज करके। मम्मा प्लीज फोन दे दो। क्या अभी तो हाथ जोड़ रहे थे तुम दोस्त? तो अभी थोड़ी देर पहले ये लड़का ऐसे गिर गिरा रहा था फोन के लिए, तो प्लीज बोलो अच्छे से। प्लीज फोन दे दो, फोन दे दो, प्लीज फोन दे दूँ। ठीक है अभी दे। छाता लेके निकले हम। तो दोस्तों मुझे लोग इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, उनके कमेंट से पता चल जाता है कि वो लोग मुझे कितना प्यार करते हैं। इनका नाम नहीं है, यूज़र करके कुछ है इनका मेल आईडी। ये कमेंट कर रहे हैं कि अजितेश के चेहरे पर नहीं बट साक्षी के चेहरे पर लगता है कि उनकी खुशी बाहर की खुशी है, अंदर से दुखी लगती हो, ऐसा आभास होता है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल। कहाँ थे इतने दिनों से यार तुम? कम से कम तुमने मुझे पहचाना तो कि मैं अंदर से बहुत दुखी हूँ, बाहर से मैं और मैं बाहर से बहुत खुश रहती हूँ। यार ये भी एक टैलेंट है पता है, कि अंदर से अगर इंसान दुखी है ना और बाहर से अपने आप को सुखी दिखा रहा है, तो ये भी एक टैलेंट है जो कि हमारे अंदर है। और आपने बहुत अच्छा आवाज़ किया, आप बिल्कुल करेक्ट हैं। और दुखी होने का रीज़न मैं आपको बताऊं, सुबह उठना पड़ता है, मेहमान को स्कूल भेजना पड़ता है, झाड़ू पोछा बर्तन खुद करने पड़ते हैं, काम वाली आंटी छोड़ के चली गई है, कोई काम वाली हो तो भेज देना आप, ठीक है? और इसलिए दुखी हूँ बस। और दूसरा कमेंट है, और यो अजितेश को देख के नहीं लगता, कह रहे हैं एक विशाल कह रहे हैं मैडम है चलाक। तो भाई चलाक हैं तभी जी पा रहे हैं दुनिया में। शरीफों को दुनिया जीने कहाँ दे रही है? ये समाज जीने कहाँ दे रहा है शरीफों को? हम जैसे तेज तर्रार चलाक लोगों को जीने दे रहा है।
और तुमने मतलब हमारी वीडियो देख के हमें जज कर लिया कि हम चालाक हैं। कोई बात नहीं, हम सच में चालाक हैं। एक हाई का महंगा यार, आप लोग थोड़ा ब्लॉग की क्वालिटी और बड़ा बढ़िया कीजिए, अच्छे लेवल पर पहुंच सकते हैं। आप लोगों में वो पोटेंशनल है, प्लीज़ इसको नेगेटिव वे में मत देना। तो भाई हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने ब्लॉग को थोड़ा सुधारें, लेकिन हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ बीच में ऐसी भसड़ आ जाती है कि हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन जल्दी हमारी जो लाइफ है वो पटरी पे आएगी, मतलब हमारे जीवन की जो गाड़ी है वो जल्दी पटरी पे आएगी और जल्दी से आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे। थैंक यू, बस आप लोग अपना सपोर्ट कम मत करना, ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए। एक प्यार कमेंट करने का नाम है प्यार सिंह गुर्जर, @ प्यार सिंह गुर्जर। घर छोड़ के नहीं आती तो वीडियो बनाने की जरूरत नहीं पड़ती यार। ये मतलब थोड़ा लॉजिक वाले कमेंट किया करो ना, मतलब जो ब्लॉगिंग कर रहे हैं, जो वीडियोस बना रहे हैं, वो क्या सब अपना घर छोड़ के आ रखे हैं इसीलिए वो ब्लॉगिंग कर रहे हैं? मतलब यार ये अनलॉजिकल बातें मत किया करो। तो अच्छा, मेरे पिताजी वीडियो बनाते हैं, मतलब मेरे पिताजी भी रील्स वगैरह डालते हैं इंस्टाग्राम पे, मेरा भाई भी इंस्टाग्राम पे रील वगैरह डालता है, तो क्या उन लोगों ने घर छोड़ दिया इसलिए वो वीडियो बनवाते हैं? कैसी बातें कर रहे हो, सोशल मीडिया का ज़माना है आजकल, इंसान इलेक्शन जैसी चीज़ सोशल मीडिया से लड़ लेता है, और तुम हमें कह रहे हो वीडियो नहीं बनाने की ज़रूरत पड़ती। क्यों भाई, हम वीडियो बनाएंगे, तुम्हारा क्या लेके जा रहे हैं? एक कमेंट कर रहे हैं राहुल राज, आप बहुत स्ट्रांग हैं साक्षी भाभी जी, आपके जैसा बहुत कम लोग होते हैं। थैंक यू राहुल भाई, और स्ट्रांग बनना पड़ा, वरना ये दुनिया में जो भेड़िए हैं ना, ये खा जाते मुझे अगर मैं स्ट्रांग नहीं होती तो इसलिए स्ट्रांग बनना पड़ा। और आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और स्ट्रांग बनती चली जाऊंगी मैं। तो चलिए अब ना, हाँ, और यो एक वीडियो का ना वो लगा देना तुम साइड में, मैं तुमको बताती हूँ। एक लोग, आधे लोग क्या कर रहे हैं, गधे बोलूँगी मैं उन लोगों को, वो लोग क्या कर रहे हैं, बस थंबनेल देख के कमेंट कर रहे हैं उस वीडियो पे। तो मुझे पता है तुम लोग के पास नेट नहीं होता है, ज़्यादा नेट नहीं होता है, इसलिए तुम लोग वीडियो नहीं देख पाते हो, ख़त्म कर देते हो नेट, तो सिर्फ थंबनेल देख के अपना ज्ञान देते हो। तो वो चीज़ें मत करो, पहले पूरी वीडियो देखो। ये वाली वीडियो थी ना, साक्षी मिश्रा ने मांगी अपने परिवार से मदद, तो किस लिए मदद मांगी, क्या 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 है उस वीडियो में, उस वीडियो में क्या है क्या नहीं है, तो पहले पूरी वीडियो देखो, फिर अपना प्यारा सा ज्ञान दो, ठीक है? थंबनेल देख के ज्ञान मत दिया करो। अभी थंबनेल चेंज कर दूंगी मैं तो वीडियो ही देखने नहीं आओगे, इसलिए पहले पूरी वीडियो देखो, वीडियो के अंदर घुसा करो, फिर अपना ज्ञान दिया करो। तो वो ये थंबनेल लगा देना, कौन सी वीडियो की बात कर रहे हैं। एक कह रहे हैं साक्षी जी, आप लोगों का वीडियो बहुत दिनों से देखते आ रहा हूँ, आप हमेशा ऐसे ही खुश रहिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों का हंसना, भोला राम है ये। तो थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। मतलब दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो साक्षी और अजितेश को हंसते हुए पसंद करते हैं, और वो हमारे अपने हैं, हमें ऐसा लगता है, वो हमें दिल से सपोर्ट करते हैं, वो हमें दिल से प्यार करते हैं। तो ऐसे ही आप हमें प्यार करते रहिए, ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए, और जो हमसे नफरत करते हैं हम उनको ऐसे ही रोस्ट करते रहेंगे जैसे अभी कमेंट में कर रहे हैं। चलिए अब वीडियो को करते हैं एंड, बारिश हो रही है, मैं भीग रही हूँ, दिख रही है ऊपर, दिखा रहे हो हैं, इतनी तेज नहीं हो रही, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है मैं फ़ोन पे हल्के हल्के। तो चलिए वीडियो को करते हैं एंड, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। जो भी वीडियो पर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, और मेरे चेहरे पे आपको जो भी दिखता है उस चीज़ का आवाज़ करते रहा करिए कि मैं दुखी हूँ या खुश हूँ या नहीं हूँ या नहीं हूँ, और मेरी मदद करिए यार। जिसको लगता है कि साक्षी मिश्रा दुखी हैं, हमें तो जिससे सहानुभूति होती है, हमें जिससे सिंपैथी होती है, हम उसके पास जाके उसकी प्रॉब्लम सुनते हैं, और उसकी जो भी प्रॉब्लम होती है अगर हमारे हमारे बस में होती है तो हम वो प्रॉब्लम दूर करते हैं। तो आपको अगर मुझसे ज़्यादा सिंपैथी है तो मेरे पास आइए, मेरी प्रॉब्लम सुनिए, अगर आपके बस में है तो उस प्रॉब्लम को दूर करिए। ये थोड़ी वीडियो देगी और आवाज़ कर लिया, ये हो गया वो हो गया, कुछ भी बोलते रहते हो। चलो बाय।